नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। अभी हम इस वक्त रामलीला मैदान में हैं। यहाँ इंडिया गठबंधन की रैली है और तमाम समर्थक, इंडिया गठबंधन से जुड़े जितने समर्थक हैं वो वहाँ रामलीला मैदान में आना शुरू हो गए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं, जब चुनाव मैदान में जाएंगे तो ये किस मुद्दों को लेके। हम देख रहे हैं कि मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल, ये अपना एक पंपलेट लेके घूम रहे हैं ये लोग। ये आम आदमी पार्टी राजस्थान से आए हुए हैं, इधर पंजाब से आए हैं। हम इनसे धीरे धीरे करके बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन मोहन राजौर है, मैं जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी करौली राजस्थान। कहाँ से आए आप? राजस्थान से। तो ये आप मोदी का सबसे बड़ा डर केजरीवाल। आज हम 10 साल पहले जिस रामलीला ग्राउंड से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, आज दोबारा से हमें इस ग्राउंड में बुलाया है। और जिस तरीके से 10 साल में हमारे नेता ने जो सुशासन दिया है, जनता की मूलभूत समस्या पर काम किया है, इससे डर के 10 साल के कुशासन को छुपाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री को, अरविंद केजरीवाल जी को, जेल में डाल दिया है। इस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल में डाल दिया है। मैं मानता हूँ कि इस तरीके से आज जो पूंजीवादी और सामंतवादी सरकार चल रही है, जिस तरीके से किसानों को कुचला जा रहा है, लगातार जुमले दिए जा रहे हैं, एक भी गारंटी, नरेंद्र मोदी जी गारंटी देते हैं उनकी एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। दिल्ली की जनता ने पिछली बार भी 70 में से 67 सीट देके मैंडेट अच्छा दिया था, इस बार 62 सीट देके मैंडेट दिया है। जनता आम आदमी पार्टी के पक्ष में है और फिर से लोकसभा की इंडिया गठबंधन की 7 सीट दिल्ली के खाते में आई। अच्छा, जेल में है अरविंद केजरीवाल। मैं मानता हूँ कि जेल में जब क्रांतिकारी जेल जाते हैं तो एक नई क्रांति का उदय होता है, फिर से मजबूत होकर आएंगे। ये कोई पहला काम, पहली बार नहीं है। अरविंद जी पहले भी जेल गए हैं और अब भी दोबारा जेल गए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ आम आदमी पार्टी और मजबूती के साथ उभरेगी और जल्दी हमारे नेता जेल से बाहर आएंगे। जब जेल गए थे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ में जेल गए थे, अब भ्रष्टाचार को लेके जेल में। देखो, उनकी उनकी सरकार है ना, कोई ऑथेंटिक तथ्य है ईडी के पास? ईडी ने सिर्फ 4 लोगों के बयानों पर जेल में पटक दिया है। इस तरीके से तानाशाही चल रही है, ईडी के पास ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं जिसकी वजह से जेल भेजे गए। क्या नाम है आपका? जाहिदुल्लाह खान, लोकसभा सचिव करौली धौलपुर से। अच्छा, आप धौलपुर से हैं। जी जी। जब ईडी ने रिमांड मांगी, दूसरी रिमांड एक हफ्ते की मांगी, तो खुद केजरीवाल ने कहा कि ठीक है रिमांड ले लो आप, इन्होंने विरोध ही नहीं किया। ये असंवैधानिक चीजें हैं जो एक सीएम के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जी जो है सीएम है, कोई छोटे मोटे आदमी है नहीं है, पब्लिक नहीं है, उनके लिए हर टाइम देना बड़ा मुश्किल होता है। अब चुनावी समय है, इस टाइम पे उनको जेल में बंद करना बहुत बड़ा मोदी का एक हार है। मैं मोदी का एक कंसेप्ट है जो तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, इसी काम पे वो काम कर रहा है मोदी जी हमारे। मैम कहाँ से हैं आप? हम पंजाब से। क्या नाम है आपका? मोनिका खन्ना। अरविंद केजरीवाल जेल में है? बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है। केजरीवाल जी के लिए हम सब लोग आए हैं कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो वो तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। देखो, बाकी पार्टियों का भी बहुत बड़े भ्रष्टाचार है, वो क्यों नहीं निकले बाहर? ये तो छोटा सा कुछ भी नहीं है, ये तो झूठा आरोप लगाया गया है, जो उनके साथ हुए बहुत गलत हुए। भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होता है ना, छोटा हो या बड़ा। देखो, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री जी को अंदर ही करवा दें, ये किसी तरह का न्याय नहीं है। हेमंत सोरेन भी है? हाँ, हेमंत सोरेन भी है, यह बहुत गलत हो रहा है देश के साथ। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न पंडित, आम आदमी पार्टी जामताड़ा जिला अध्यक्ष झारखण्ड। हाँ। संथाल परगना से। अच्छा, अभी जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो एक बड़ा एक विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। हाँ जी। लेकिन हेमंत सोरेन जब जेल में गए तो इतना बड़ा प्रदर्शन नहीं देखा गया? नहीं, यह देश के एक सच्चे सिपाही है, ये नहीं है। हेमंत सोरेन भी है लेकिन वो झारखंड के लिए कुछ किए हैं, परंतु यह पूरा देश के लिए कर रहे हैं। केजरीवाल जी जो है पूरे देश के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सबका भलाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, महिलाओं के लिए आपका जो है भत्ता, बहुत कुछ सारी सुविधाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृतपाल सिंह है, मैं अमृतसर से, पंजाब से। जी सर। अमृतसर में भगवंत मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहा है? हमें तो नजर कभी नहीं आया। नहीं आया हमें, अभी देखा नहीं। जो किसान नेता है पंडे, तरुण सिंह पंडे, कल गोल्डन गेट पे उन्होंने पुतला भी फूंका था, हमने कुछ नहीं देखा सर, ऐसा नहीं देखा। उनका आरोप है कि मंडियों को बंद किया जा रहा है पंजाब गवर्नमेंट। हमें तो ऐसी कोई बात सुनने को मिली नहीं ऐसी। जो किसान है वो सारे भगवंत मान के साथ हैं, भगवंत मान सभी का अच्छा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, गरीबों का मसीह है, जैसे केजरीवाल ने कहा वो एक गरीबों का मसीह है। भगवंत मान पंजाब के जो है और केजरीवाल दिल्ली के, दोनों की सोच जो है राष्ट्र की विकास की सोच है, युवाओं की सोच है। क्या नाम है सर आपका? जयराम रा, प्रवक्ता संथाल परगना, झारखंड। कहाँ से?
झारखंड से आम आदमी पार्टी के। तो कहने का उद्देश्य मेरा ये है, जो राष्ट्र के निर्माण और 21वीं सदी की युवा को देखने के लिए अरविंद केजरीवाल जैसे दूरदर्शी और भगवत मान जैसे दूरदर्शी मुख्यमंत्री की आवश्यकता भारत के नौजवानों के लिए है। मैं कह रहा हूँ मैंने उसका दर्शन लड़े, अपने गोले चढ़ाए, जब लड़ा रहे हूँ। मैं हूँ कांग्रेस, वो कांग्रेस में पक्का, कांग्रेस में पक्का। आम आदमी पार्टी का लगाए हुए हैं आप गले में, आप कुछ भी लगा दिया। मैं हूँ कांग्रेस, मैं जाऊँगा कांग्रेस पक्का। तुम ये जन्म से मैं जन्मा कांग्रेस, मैं जैसे बिंदु इंदिरा गांधी जाओ जाओ, इंदिरा गांधी अमर है, राजीव गांधी अमर है, तो मैं कांग्रेस हूँ, कांग्रेस से जाऊंगा। मैम आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मैं पार्टी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष लाबरू। अच्छा अच्छा, कोऑर्डिनेटर हूँ मैं पार्टी की। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं आई लव द केजरीवाल, बहुत उनसे मुझे प्रेरणा है कि ही इज द वंडरफुल पर्सन, बट दे हैव डन भाजपा, दे हैव डन रॉन्ग। बट किसी की सोच हम नहीं बदल सकते, हमारी केजरीवाल रहेंगे उनकी सोच रहेगी, चाहे वह कहीं भी रहे, तो हम इनको नेस्त नबूद करेंगे इन भाजपा वालों को। जो भाजपा में आ जाता है वो ईमानदार हो जाता है, लेकिन जो केजरीवाल जी के ऊपर केस है मानते हैं, लेकिन केस किसने किया और किसकी गवाही पे किया? जिसने 60 करोड़ बीजेपी को दिया वही गवाही दे रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ। और केजरीवाल जी ने बोला भी मैंने अमित शाह और मोदी जी को दिए हैं 100 करोड़ जो इसमें आए हैं, तो उसको मोदी का और अमित शाह पे ईडी क्यों नहीं केस कर रही? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो इन्होंने जो किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है, मैं जम्मू से आया। क्या नाम है? राहुल, राहुल जम्मू से है, जम्मू से आए। तो हम ये कहना चाहते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो किया इन्होंने, ये बहुत मतलब इस शौक वाली बात है। देखो जो इतने सालों तक दिल्ली का जो इतना डेवलप नहीं हुआ, देखो इतने सालों में कुछ मतलब कम सालों में कितना डेवलप किया उन्होंने। इन्होंने एजुकेशन में इन बच्चों को दिया, लेडीज को सुरक्षा दी, और मेडिकल्स में भी इतना अच्छा किया। अब पता नहीं इनको क्यों मिर्ची लग रही है भाजपा, उनको क्यों अच्छा काम करने वाले को बंद करके रखना, जो बुरे लोग हैं वो बाहर घूम रहे हैं।